उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर कोटाबाग ब्लॉक के ग्राम सभा कमोला में सरलीकरण समाधान एवं निर्धारण के लिए ग्रामीणों के लिए कैंप लगाया गया है, जिसमें ग्रामीणों की 18 समस्याएं प्रमुखता से उठी रही। वहीं यहां पर 10 समस्याओं का विभागीय अधिकारियों ने मौके पर ही निराकरण कर दिया। बाकी 8 विद्युत पोलों की समस्या को जल्द समाधान करने का विभागीय अधिकारियों ने आश्वासन दिया है। कालाडूंगी से मुकेश छिम्बाल की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों में घर घर जाके हमें समस्या का समाधान करना है। पब्लिक को सहूलत देनी है, उनकी शिकायतें सुननी है, उनका समाधान तत्काल करना है। इन निर्देशों के क्रम में हमने कैंप लगाए हैं, जो कि हर दिन दो दो कैंप लगेंगे हमारे डिवीजन में। उसमें हम सहभागिता देंगे और लोगों की समस्या का निदान करेंगे। तो कितनी समस्याओं का निस्तारण आज किया गया? आज समस्या 18 आई है, 18 का हमने 10 का निदान कर दिया है। 8 हमारे जो पोल से संबंधित हैं उनको हम पोल लगवा कर उसको भी निदान करेंगे। जैसा सरकार का एक नियोजन है कि जैसा हमारे स्लोगन में दिखाई दे रहा है आपको कि सरलीकरण समाधान एवं निस्तारण, ये तीन जो पॉइंट हैं, इन पॉइंटों के निर्देशन के क्रम में हमें जो है विद्युत संबंधित शिकायतें जो भी उनका सरलीकरण करना है, समाधान करना है। उसके लिए आज जो है यहाँ पे कमोला कैंप लगाया गया, हमारे माननीय अध्यक्ष मंत्री हमारे साथ हैं और ये 5 कैंप लगने हैं। हमने 6 कैंप लगाए अपने सब डिवीजन में, तो ये पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चल रहा है। हम जो है समस्या के लिए उपभोक्ता का इंतजार नहीं कर रहे हैं, हम उसे घर तक जा रहे हैं, उस चौखट तक जा रहे हैं कि उसकी समस्या क्या है, उस समस्या का निदान कर पाएँ।